हेलो 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 गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को फिर से छुमी। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम ग्रैनी खेली थी, वैसे आप लोगों को याद नहीं होगा, वो वीडियो किसी ने नहीं देखी इसीलिए उस वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए। मैंने उस ग्रैनी वाली वीडियो में बोल दिया था कि अगर मैं आज नहीं जीत पाया तो मैं इसके बाद ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, डायलॉग तक नहीं बोला गया मेरे से ढंग से, धिक्कार है हम पर। एंड यस, उसके बाद से मैंने कभी ग्रैनी 3 नहीं खेली, लेकिन ग्रैनी 2 तो खेल सकते हैं ना। जी हाँ गाइस, तो हमने ग्रैनी 3 वापस ना खेलने की बात करी थी, ग्रैनी 2 तो खेल सकते हैं। वैसे भी ग्रैनी 3 से ज्यादा अच्छी मेरे को ग्रैनी 2 लगती है। तो आज हम एक बार फिर से ग्रैनी और ग्रैंडपा को देके चकमा, उनके घर से हो जाएंगे पार। ये बिल्कुल राइम नहीं करा, मैंने सोचा था राइम करूंगा। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, ये रब। ओके, तो मेरा कोशिश क्या होने वाला है, मैं कौन से टाइप का एस्केप करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ, स्वागत तो करो हमारा। देयर यू आर, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। अपुन करने वाला है हेलीकॉप्टर एस्केप प्रेफरेबली, क्योंकि वो सबसे अच्छा एस्केप है अगर हेलीकॉप्टर एस्केप हम कर पाए, वरना इलेक्ट्रिक डोर भी चलेगा, बोर्ड भी चलेगा, जो मर्जी हो जाए। ओ, ये कुछ मिल गया है हमें, ये है डोर का लॉक। का बात है, का बात है, इको लेके हम ऊपर आए क्या भैया? ओ नमस्ते। अरे आहा वाले अंकल, तुम अभी तक यही हो? अरे जाओ रे। अरे तू जा रही? ये तो मुझे पता ही नहीं था ये डोर लॉक यहाँ भी लगता है, ये मेरे को एक्चुअली में कभी नहीं पता था। ओके, सबसे नीचे जाते हैं और देखते हैं सबसे नीचे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा हमें। इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है कि हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा। यहाँ पक्का कुछ नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे पक्का कुछ नहीं है। तो यहाँ से निकलते हैं हम बाहर, बस एक बार तो वो आहा आहा वाले अंकल और आंटी जाए तभी तो मैं बाहर निकलूंगा, कुछ कर पाऊंगा। ओके, दादी जी वहाँ पर है, बहुत आराम से कोने से चलेंगे, ड्रॉर खोलेंगे, ड्रॉर में मिल गई बोट की, क्या बात है, क्या बात है सर। और यहाँ पर लगा देते हैं, अरे डोर हैंडल लगा तो रहा हूँ। ओ दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। ओए दादी यहाँ तो नहीं आ सकती, इतनी समझदार ना है ये दादी, नीचे से दादा ना निकला है भाई जंप स्केयर देने के लिए। ओ आई एम बिहाइंड द डोर, बट यू कांट सी मी बिकॉज आई एम जॉन सीना। एक काम करते हैं बोट की, क्योंकि बोट नीचे ही होती है तो नीचे ही फेंक के आते हैं। मस्त प्लान है। अगर बोट एस्केप भी हो गया तो बोट भी चलेगी, कोई भी एस्केप चलेगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आ गई है, वो आ गई है, वो सच में आ गई है, लेकिन अभी एक बार फिर से मैं जानता हूँ उसके बस की है नहीं, वो यहाँ पे आएगी, दरवाजा नहीं खोल सकती वो, इतनी बेवकूफ है नहीं है। सच में आ गई, दरवाजा खोल दिया उसने, पर दरवाजा खोल के नीचे नहीं आई। आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक, आना आती क्यों नहीं, डरती है क्या, तब मरवा। कुछ करने देंगे मेरे को तब ना, गेम स्टार्ट हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तब से यहीं पे ही घूमे जा रहा हूँ मैं, कुछ तो करने दो। अरे जा, इतनी स्लो क्यों चल रही है, तेज चल, पीछे भागते हो तो बड़ी तेज चलती है। और ये ग्रीन लाइट क्यों जल रही है? ओ नो, ओ नो, ओ नो, ऐसे क्यों लग रहा है वो आ रहे हैं? मम्मा, मुझे क्यों लग रहा है वो आ रहे हैं? ऐसा लग तो रहा है भाई पैरों की आहट से कि बहुत तेज तेज आ रही है ग्रैनी। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। रेंच, रेंच कहाँ पे काम आता है? अरे यार, एक तो इतना टाइम हो गया खेले हुए। वो नीचे कहीं पे काम आता है, जहाँ पे वो छोटू होता है यहाँ काम आता है रेंच, यहाँ पे कहीं पे नीचे ये। हाँ याद है, याद है, सब याद है मुझे। ये रेंच तो और मेरे को नहीं लगता कहीं काम आता है, तो इसको यहीं फेंक देते हैं। पर अबे फेंका है तो आ गई, मैं आ गई। क्या करता है रे तेरी तो? अब अक्षय कुमार के बाद विमल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ग्रैनी तो आएगी, बोलो जुबा केशरी, जुबा केशरिया। अरे जाना, अरे जाओ, डंडा दो मुझे, यहीं से मारता हूँ इसको। इतनी बड़ी मूर्ख है ये दादी, अभी यहाँ पे खड़ी थी, देखा यहीं पर हूँ मैं, अब सोच रही होगी पता नहीं कहाँ चला गया है, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बम दो मेरे को बम। ग्रैनी इज नाउ गॉन, बम्बे से उड़ा दी। बम्बे से उड़ा दूंगा। इसका छोटू कहाँ है? आजा आजा, तू भी आ। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। उड़ जा,
गया। दादा आएगा ना, आजा जल्दी आजा, तेरे को भी बम से उड़ाऊंगा। दादे, अबे दादा नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या? ओ क्रोबार, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। क्रोबार लेके जाते हैं, एक जगह लग गया क्रोबार, और क्रोबार लेके जाते हैं नीचे। यहाँ पे होता है एक डब्बा, डब्बे के अंदर है वेपन की कील। तो मैं पहले वेपन की ले आता हूँ। वेपन कहाँ पे होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। यहीं कहीं होता है एंट्रेंस पे ही, इसी जगह पे, यहाँ यहीं पे कहीं पे। बूम, ये हटेगा। यस, ओहो, ये लेट्स गो दादा। तो गया बेटे। और ये क्या है, बोट का स्टेयरिंग व्हील। कौन तो आ रहा है भाई, ओ आजा। बैम! ओ दादे, ओ तारी दादी मार दी मने। ओ दादा तन्ने ना आना। अच्छा तो फिर क्या कर लेगा, सीधा हो चल, चाबी दे गले की। अबे चाबी दे, अरे यार ये तो टेढ़ा होके लेट गया, इसके गले से चाबी कैसे उतारू। उतार लिया, ऐसे कैसे ना उतारेंगे। ये सीक्रेट रूम ओपन, बूम, इसके अंदर बैम, कुछ नहीं, ये यहीं पे फेंको, इसकी जरूरत नहीं। ओके 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 ओके, ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या मिलेगा। खाली है, और इसके अंदर एमओ है, हेलीकॉप्टर मैनुअल। ओए पढ़ा लिखा हो गया मैं, अब हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ। शॉटगन लेके आते हैं। ओ दादा शॉटगन दे भाई, ये शॉटगन आ गई, इसके अंदर ओ स्टनगन भी मिल गई। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे फेंकते हैं, स्टनगन उठाते हैं। क्यों उठाते हैं स्टनगन बताता हूँ तुम्हें। देखो स्टनगन उठा के ऊपर जाते हैं, और ये जो इधर दरवाजा होता है इस पे निशाना लगाते हैं, ठीक है। स्टनगन को देते हैं यहाँ पे फेंक, ये चलते हैं नीचे, यहाँ उठाते हैं शॉटगन, और इसको लेके आते हैं वापस ऊपर। अरे तुम्हारा भाई तो आज भाई क्या, ग्रेनेड टू इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ मैं, और कतई प्रो की तरह। बैम बैम, इसके अंदर आते हैं, अरे ये खोलने के लिए प्लायर व्लायर कुछ चाहिए होता है ना। ये यहाँ आ गए, अब यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग लगाने हैं। एक बार ग्रैनी ग्रैंडपा को फिर से जरा मौत की सजा दे के आता हूँ। ओ ग्रैनी। हाँ बोल, क्या क्या बात है, तू तो ऑन डिमांड आ रही है आजकल। ओ प्लायर भी मिल गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजे आ रहे हैं गेम में। ये बैम, ये बैम बैम, ये बैम। ओ शिट, ओ शिट, ओ नो। वाला चाचा आ गया। मेरे जो दिल में एकदम से घुट घुट हुई है ना, ओ माय गॉड। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हमको सीधा सिर्फ ऊपर। ओ नो ओ नो, पैरों की आहट से तो लग रहा है ग्रैनी आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे तू क्यों आ रहा है, ऊपर जाना है मेरे को, मेरी गन उठानी है। ओके इजी, एक एमो तो है मेरे पास, एक को तो मैं यहीं पर टपका सकता हूँ। पति के गोली लगी है तो पत्नी भी आएगी और खाएगी मुंह पे। इसमें है कुछ, इसमें है हैंड व्हील। हैंड व्हील कहाँ लगता था, मैं भूल गया। ओह ओ कितना तड़प रही है, तड़प 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 ग्रैनी, तड़प और तड़प। हैंड व्हील लगता था यहाँ पे कहीं। ये पैम पैम घूम जा। अब इससे क्या हुआ, ये इसका ढक्कन ऊपर हो गया। अब डोर का व्हील लगा सकता हूँ मैं। अबे आई नीड अ डोर हैंडल, तो यही तो है। अच्छा पहले बिजली बंद करनी पड़ेगी, तब होगा। बिजली बंद करने के लिए हाँ प्लायर, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। ये क्या है, बोट का स्टेयरिंग व्हील। अभी कुछ नहीं करना, पेंटिंग पेंटिंग उठाते हैं। इसमें कुछ है नहीं है, चलो पेंटिंग लेके ऊपर चलते हैं। ऊपर ऊपर का रास्ता कहाँ है, ऊपर का रास्ता कहाँ है। ये क्या है, ग्लास फ्यूज, बहुत ही बढ़िया। पियानो के ऊपर ग्लास फ्यूज, याद रखना। एंड आई थिंक जिंदा होने का टाइम हो गया है उन दोनों के। तो इसको यहाँ पे पहले फेंकते हैं, इसको ये लेते हैं गन। ओ माय गॉड, जितना शोर हुआ है कोई तो आने वाला है, ग्रैनी आने वाली है। एक एमो और चाहिए मेरे को, एमो। ये क्या, डोर का हैंडल भी मिल गया, सब तो मिल गया, एमो नहीं मिली। हाँ मैं कह रहा था ना, क्रोबार एक जगह और लगता है, ऊपर लेकर आना पड़ेगा, पर पहले इन दोनों को उड़ाना पड़ेगा, पर उसके लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। बिकॉज आई नीड एमो, बिकॉज ग्रैनी ग्रैंडपा वेरी डेंजरस। नो एमो, सो आई टेक स्टनगन। अब स्टनगन से मारना पड़ेगा इनको। आओ आओ ग्रैनी ग्रैंडपा, कहां से आएगी, कहां को जाएगी पागल ग्रैनी, मुझे मरवाएगी। बस करिए जलवे नदिका। अरे आओ ना, देर यू आर के, इधर आ। पति मर गया तेरा ग्रैडी, तू ना आएगी। इतना शोर कर रहा हूँ मैं ऊपर, तू तो बहुत तेज है वैसे, एक सेकंड में आ जाती है। जल्दी आप, कल सुबह पनवेल निकलना है। पति गया तेरा, ग्रैनी आ जा। आ गई आ गई।
ग्रैनी इज गॉन फॉर वन मिनट के लिए गए हैं सिर्फ, अभी ये भी तो दिक्कत है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। ऊपर चलो, पीस ऑफ पेंटिंग लगाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ओके, तीसरा पीस ऑफ पेंटिंग में मिल गया है, इजी। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको उठाते हैं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, इसको लेके चलो 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 जल्दी 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 चलो 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 यहाँ लगाया और तीसरे पीस ऑफ पेंटिंग में उठाया, इसको भी लेके चले और ऊपर हो गया डोर लॉक पूरा। अरे अब तो बहुत आसान है, इजी छे। बूम बूम। यस यस यस, आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। अब यहाँ पर आएंगे हम और ये वालों को गोली लगाएंगे, गोली है नीचे, गोली लेकर आएंगे, आगे चले जाएंगे, गेम को खत्म कर देंगे। इजी छे। आजा। ओ शिट, ग्रहणी ने मेरे को गन नहीं उठाने दी यार, ब्लॉक कर दिया मेरे को, मैं क्या करता। शिट शिट, पीछे आ रहा है अभी भी। शिट शिट, बचालो बचालो। बच गया मैं, बच गया, बच गया यार। ओके ओके ओके, कहाँ पे हैं अब? यहाँ पे हैं हम। कितने ही बुरे शॉट है मेरे। अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। पट्टा से हेडशॉट, पट्टा से। ओ ट्रिपल लॉक। के यहाँ पे ग्लास फ्यूज लगाना है एंड बूम पार। इजी इजी छे। ओके ग्रैनी ग्रैंडपा, आई एम कमिंग डाउनस्टेयर्स। ओके यू हैव एनी प्रॉब्लम? ग्लास फ्यूज भी ये पड़ा, बस चलो फिर चलो चलो चले भैया इस घर से दूर चले। मैं कितना प्रो हूँ इस गेम में यार, मैं बता रहा हूँ तुमको। ग्रैनी 2 इज डेफिनेटली मच बेटर देन ग्रैनी 3, क्योंकि मैं वो पार कर सकता हूँ इजीली। ओके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुके हैं। अब हेलीकॉप्टर की टेप, दो तीन चीजें रह गई एंड वी डन। इसमें कुछ नहीं था। ओके ओके ओके, चोरी चोरी छुप छुप कर। पीछे देखो। हाँ क्या कर लिया? हाँ वाले। ओके अब क्या था? हेलीकॉप्टर की चाहिए ना मेरे को। आई थिंक आई नो हेलीकॉप्टर की वो सेफ में होगी, और सेफ की हमको मिलेगी वो जो डब्बा है ऊपर बाथरूम के पास कहीं पड़ा हुआ, तो नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ग्रैनी को एक बार तो मारना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक वाली दादी? आ जाओ। चोरी चोरी यू नजरे मिली। ग्रैनी 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 ग्रैनी, आ जाओ, दांतों पे खाओ और मर जाओ। अबे ये क्या हुआ? अरे मैं बिजली का झटका खाया। ये मेरी जिंदगी की सबसे वर्स्ट चीज आज हुई है ग्रैनी खेलते हुए। अरे वो ग्रैनी के साइड में हल्की सी जगह थी, मैंने कहा निकल जाऊंगा, उधर से जाने लगा और बिजली का झटका खा गया। अरे मुझे पता है अब गेम में क्या बचा है यार। ये देखो ना, ऊपर जो सेफ होता है उसकी की चाहिए हमें। वो सेफ की होगी वो डब्बा जो ऊपर बाथरूम में पड़ा हुआ है, उस डब्बे में मिलेगी सेफ की और सेफ के अंदर मिलेगी हेलीकॉप्टर की। गेम खत्म, यही है, बता रहा हूं तुम्हें। मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा कि कहीं भी प्रकट हो जाएंगे वो। अच्छा फिर अब मुझे बस ये डर है कि ये मरा है तो ग्रैनी आएगी। इसमें होगी सेफ की, पैडलॉक की। पैडलॉक की तो वो सबसे नीचे वाले के लिए होती है राइट, तो मुझे प्लायर चाहिए। मेरा प्लायर कहाँ पे छोड़ के आया था मैं? इधर कहीं पे था ना प्लायर, वो काटने वाली वायर, वो मेरे को ऊपर जो वो चेन वाला वो है ना डब्बा। पहले तो मुझे एमो चाहिए थोड़ी सी। एमो कहाँ से लाऊं मैं? ओके एमो नहीं भी है तो ये तो है। अब तू हट जा। प्लायर्स कहाँ पे रखे थे मैंने? मेरे को बस वो नहीं याद आ रहे। क्या मैं प्लायर्स इधर कहीं रख के गया था? नहीं इधर भी नहीं, तो फिर आई थिंक नीचे होंगे, क्योंकि अब मेरे को प्लायर की जरूरत है, वो जो तार वगैरह काटने के लिए होता है ना उसकी जरूरत है। यप यप यप, वो पर है कहाँ पे? मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? प्लायर चाहिए मेरे को यार, बस खत्म है गेम। प्लायर, वो हरे कलर का जो था प्लायर। वो टेप मिल गई।
लेट्स गो। बस प्लायर और रह गया, ऊपर देख के आते हैं। कहीं प्लायर ऊपर तो नहीं कहीं रख दिया मैंने? लग तो नहीं रहा मैंने प्लायर ऊपर रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे को मिला भी था पर मैं कहाँ पे छोड़ आया पता नहीं। बेवकूफ हूँ मैं भाई, क्या करता हूँ मैं। पहले खैर हेलीकॉप्टर के पंखे रिपेयर करते हैं। डन। प्लायर्स। ओ गैसोलीन, हेलीकॉप्टर के लिए गैसोलीन चाहिए होता है। मुझे प्लायर्स नहीं मिल रहे, मेरी गेम ऐसी खत्म हो जाएगी। डे 4 पे आ गया हूँ मैं, सब अंधेरा छाने लग गया आंखों के सामने, खून खून हो गया है, अच्छी खासी खत्म हो रही गेम को भी कैसे खराब कर दिया है मैंने। एमो कहाँ से लाऊं? एमो नीचे पड़ी होती है क्या? दो एमो पड़ी होती है शायद। हाँ हाँ होती है, दो एमो इसके ऊपर पड़ी होती, नहीं पड़ी होती है, पता था मेरे को नहीं पड़ी होती है। बोट एस्केप कर लेता हूँ, हेलीकॉप्टर की के चक्कर में मर जाऊंगा बता रहा हूँ मैं। ओ माई गॉड, अब तो फ्यूल भी तो मैं यूज नहीं कर सकता, वो मैं बोट में कैसे डालूंगा फ्यूल? वो तो मैंने उस इसमें डाल लिया हेलीकॉप्टर में, तो डब्बे में अभी भी फ्यूल होगा क्या बोट में डालने के लिए? मैं फंस गया, 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 मैं मर 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 गया, 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 राम 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 अबे यार दादी आ गई। अब एक ही तरीका बचता है, मेरे को वीडियो में पीछे जाके देखना पड़ेगा मैं प्लायर कहाँ के रखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुरे को, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो गिव मी 2 मिनट्स, मैं यहीं पे छुपाऊँ तब तक। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये प्लायर उठाया और फिर एकदम से दादा आ गया। मेरे प्लायर उठाने के बाद दादा ने मेरे को मार दिया था, तो टेक्निकली मेरा प्लायर वहीं पड़ा होना चाहिए। मैं तो वहां से 30-40 बार जा चुका हूँ, मेरे को तो एक भी बार नहीं मिला। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसे कैसे गुम हो गया, ये तो गेम ग्लिच कर गई है फिर। यहाँ तो अगर वहां पे प्लायर नहीं पड़ा होगा, ओह माय गॉड दोनों यहीं पे, अगर प्लायर वहां पर नहीं पड़ा तो इसका मतलब गेम ग्लिच हो गई है। ओ वो 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 एक सिंपल सा हेलीकॉप्टर एस्केप, मेरी जिंदगी का हार्डेस्ट हेलीकॉप्टर एस्केप क्यों बन गया है? बोट एस्केप भी कर सकता था मैं, नहीं हेलीकॉप्टर से ही जाना है, ज्यादा व्यूज आएंगे ना। एक बार थोड़ी सी एमो दे दो, थोड़ी सी एमो दे दो, पक्का फिश और नहीं मांगूंगा, बस एक बार एमो दे दो, इन दोनों को एक एक बार पीट दूं। आ गई दादी, आ गई दादी, आ गई दादी, आ गई गाइज। ये नहीं है प्लायर, नहीं है, यहीं पे तो गिरा होना चाहिए ना, कहाँ है? नहीं है, मैं कह रहा हूँ गेम ग्लिच हो गई, गेम ग्लिच हो गई। ये देख लो, है ही नहीं, कहीं नहीं है प्लायर, गेम ग्लिच्ड। जी जी मैं क्या करूँ, कुछ तो हुआ है, प्लायर पता नहीं कहाँ पे, वहां से एकदम ग्लिच आउट होके कहाँ पहुंच गया है। कटिंग प्लायर भाई, कटिंग प्लायर ही तो नहीं है, यही तो जिंदगी में एक दुख है, कटिंग प्लायर पता ही नहीं कहाँ चले गए, मरा मैं और वो टेलीपोर्ट हो गए भाई, कटिंग प्लायर कहीं और ही किसी दूसरे दुनिया में पहुंच गए, सब जगह ढूंढ लिया भाई, कटिंग प्लायर नहीं है। चढ़ 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 जल्दी, इससे पहले के दादा मार दे। बच्चा ओ गैसोलीन कैन अभी भी चल रहा है भाई, मैं बोट एस्केप कर लेता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं हार जाऊँ, और मैं ख़त्म कर सकता हूँ, बस सब कुछ है सिवाय कटिंग प्लायर के, क्योंकि वो गेम ने ग्लिच कर दिया है, वो मेरी गलती नहीं है। बाथरूम में मेरी स्टन गन पड़ी है, अगर वो मिल गई तो भी कुछ कर सकता हूँ मैं। हाँ इन्होंने कुत्ते के पास तो नहीं रख दिया कटिंग प्लायर? अरे
देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गेम में कोई ग्लिच हुआ, कटिंग प्लायर वहीं पे सामने सामने गिरा और उसके बाद गायब हो गया। तो हाउ इज दिस माय फॉल्ट, आई वॉन दिस गेम, मैं जीत चुका था क्योंकि सिर्फ कटिंग प्लायर से वो ऊपर वाला वो जो शेल्फ था, जो भी वो बॉक्स था, वो खोलना था, उसके अंदर मिलती हेलीकॉप्टर की और मैं उड़ जाता। लेकिन नहीं, गेम में ही ग्लिच हुआ है भाई, वो गायब हो गए कटिंग प्लायर। मैं रिप्ले में जाके देखा, मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये गेम की गलती है, मेरी गलती नहीं है, और मेरे कंधे में दर्द हो गई। आई विल बी बैक अगेन, और अगली बार कोई ग्लिच नहीं होगा, सच में उड़ूंगा मैं हेलीकॉप्टर से या बोट से। एनीवेज गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। ग्रैनी चैप्टर 2 की अगर और वीडियोस चाहिए तो लाइक, अच्छे लाइक आएंगे तो और वीडियो बनाएंगे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।